एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि बंकुल जब यूंजी को किस कर देता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद आया। अब यूंजी यहाँ पूरी तरह से शॉक थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाती। अब बंकुल आगे कहता है कि उसने उसके लिए फेवर कर दिया और अब उसकी बारी है, यानी कि वो अब उसे भूत पकड़ने में मदद करे और इसके लिए बंकुल उससे 10 मिलियन वॉन भी नहीं लेगा। लेकिन यूंजी यहाँ पे शॉक होने का उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से गायब होकर चली जाती है। अब यहाँ पे बंकुल सोचने पर जाता है कि वो बिना कुछ कहे क्यों चली गई, क्या वो झूठ बोल रही थी। वहीं पे हम लोग एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत थी, तभी हम लोग को उसके मोबाइल के मैसेज से पता चलता है कि उसके फैंस उसे ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि उसे नफरत करते हैं, इसलिए वह एक्ट्रेस सुसाइड कर लेती है और उसके ब्लड के कुछ बूंदे उसके मोबाइल पे गिरती है। वहीं पे नेक्स्ट डे हम लोग बंकुल को देखते हैं जो कि यूंजी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि कल उसने कुछ भी नहीं कहा और वो सॉरी बोल के चली गई और वो अपने आप को कहने लगता है कि वो एक घोस्ट के बहकावे में कैसे चला आया, हो सकता है वो झूठ भी बोल रही थी। अब बंकुल काफी सोच में था, इसलिए वो यूंजी को जाके सभी जगह खोजता है। अब काफी जगह खोजने के बाद भी यूंजी उसे नहीं मिलती है और वो सोचने लगता है कि आखिर उससे उसका छुटकारा मिल ही गया और वो चली गई। वहीं पे हम लोग कैंगजा को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के पीछे हानी हानी कहती हुई चिल्लाती जा रही है, लेकिन इस बार प्रोफेसर उसके हाथ नहीं लगते, इसलिए वह यूंजी से मिलने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे कैंगजा यूंजी को बताती है कि उसे एक नई लड़का मिला है, इसलिए वो उसके पीछे है। अब कैंगजा उसे कहती है कि वो हमेशा ऐसा ही करती है, क्योंकि पिछली बार भी उसने एक लड़के को पसंद किया था और उसे कह रहे थे कि वह उसके ख्वाबों का सहर ज्यादा है, लेकिन उसने उसे फिर से छोड़ दिया। लेकिन कैंगजा कुछ नहीं बोलती और वो यूंजी के बारे में पूछती है, तब यूंजी उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि किस करने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब यहाँ पे ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, इसलिए कैंगजा उसे कहती है कि वो कुछ भी हो जाए वह बंकुल का पीछा ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सही समय पे कुछ दिखाई दे। वहीं पे हम लोग बंकुल को देखते हैं जो कि फील्ड में अकेले बैठा हुआ था, तभी पीछे से यूंजी चली आती है। अब यहाँ पे बंकुल उससे काफी गुस्सा था, इसलिए वो उससे बातें नहीं करता। अब यहाँ पे यूंजी उससे कहते कि वे दोनों एक दूसरे से एक दिन से नहीं मिल रहे हैं और वो उसे देखे खुश क्यों नहीं है। अब यहाँ पे बंकुल काफी गुस्सा था, इसलिए उसे सेमलेस और सेल्फिश कह के चला जाता है। अब यूंजी तो उसे पीछा नहीं करना चाहती थी, लेकिन कैंगचुल ने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए उसके पीछा ना छोड़े, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। तभी बंकुल की नजर वहाँ पे प्रोफेसर पे पड़ती है जो कि इम्स से बातें कर रहे थे। अब बंकुल थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन यूंजी उसे कहते कि वह इम्स को भूल जाए क्योंकि उसके हाथ नहीं आने वाली। अब यहाँ पे बंकुल फिर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है। अब वहाँ पे यूंजी उससे बातें करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बंकुल कुछ भी बातें नहीं करता, जिसके बाद यूंजी उसके हाथों से किताब को छीनने लगती है, उसे परेशान करने लगती है। अब यहाँ पे सभी लोग बंकुल की तरफ ही देखे जा रहे थे कि वो आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी यूंजी नहीं दिखाई दे रही थी। अब बंकुल जब यह नोटिस करता है तो वह लाइब्रेरी से बाहर चला आता है। अब यूंजी उसका फिर से पीछा करती है और उसे कहती है कि वो अब उसकी भूत भगाने में मदद करेगी, लेकिन यहाँ पे बंकुल उससे कहता है कि वो झूठी है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मेमोरी याद आई थी, अब किसी के बाद भी उसकी मेमोरी याद नहीं आई है, तो यूंजी झूठी हुई। लेकिन यूंजी उसे सब कुछ बताती है कि उसे खुद ही नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी भूत भगाने में मदद करेगी। अब बंकुल उसे पूछता है कि वो भूत भगाने में क्यों मदद करेगी, तब यूंजी उसे कहती है क्योंकि वह सेट एग्जाम को कंप्लीट करना चाहती है और बंकुल उसकी तैयारी करने में मदद करेगा। लेकिन बंकुल उसे पूछता है कि वह सेट एग्जाम को क्यों कंप्लीट करना चाहती है, तब यूंजी उसे कहती है कि वह इस दुनिया में इसलिए अटकी हुई है क्योंकि उसे वो आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी और उसे लगता है कि शायद सेट एग्जाम ही वही कारण है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम सेट एग्जाम को नहीं दिया था। अब बंकुल यूंजी को माफ कर देता है और कहता है कि वो उसकी अब मदद करेगा और दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब इसके बाद बंकुल एक शॉपिंग मॉल पहुंचता है जहां पे वो कुछ चीजों को शॉपिंग करने लगता है, लेकिन तभी यूंजी उसके बास्केट में एक टूथब्रश रख देती है। अब बंकुल उसे कहता है कि वो टूथब्रश क्यों खरीद रही है, तब यूंजी उसे बताती है कि वह अब उसके साथ रहने वाली है, इसलिए उसे भी अब टूथब्रश की जरूरत पड़ेगी। अब बंकुल उसे कहता है किसने कहा कि वे दोनों साथ रहेंगे, अब यूंजी उसे कहती है कि वे दोनों साथ में काम करेंगे, इसलिए
लेकिन पंकुल तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर वो उसे घर में रहेगी तो उसे 2,50,000 won पे करना पड़ेगा। तब ह्योंजी उसे कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है और इस प्रकार से वो उसकी 10,000,000 won कभी भी पे नहीं कर पाएगी। लेकिन ह्योंजी की लाख कोशिश करने के बाद भी पंकुल नहीं मानता है, इसलिए ह्योंजी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद ये दोनों कुछ सामान खरीदने के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और इन्हें काफी लोग देख रहे थे, लेकिन वे लोग सिर्फ बंकुल को देख रहे थे, ह्योंजी तो उन्हें दिखाई दे ही नहीं रही थी। अब जब ये दोनों शॉपिंग करने के बाद घर की ओर जा रहे थे, तभी ह्योंजी की नज़र रास्ते में एक ड्रेस पे पड़ती है और वो बंकुल से कहती है कि क्या वो उसके लिए ड्रेस खरीद सकता है, लेकिन बंकुल मना करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब ह्योंजी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसके पीछे जाती है। वहीं पे हम एक आदमी का सीन देखते हैं जिसका नाम सुडाको था और वो टीवी पे देख रहा था कि फेमस एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, लेकिन बात यह थी कि उसने सुसाइड करने के बाद अपना सुसाइड की वीडियो को अपलोड किया था। अब सुडाको यह काफी चौंक जाता है, लेकिन तभी उसके मोबाइल में वही सुसाइड वाली वीडियो चलने लगती है और उसके टीवी में भी वही वीडियो चल रही थी। लेकिन तभी उसके बेड के नीचे से वही एक्ट्रेस बाहर निकलती है जो कि भूत बन चुकी थी और वो सुडाको के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि सुडाको भी उन्हीं लोगों में से था जो कि उस एक्ट्रेस के लिए गंदे कमेंट्स करती थी, और यहाँ पे उसे बदला लेने लगती है, इसलिए ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं पे बंकुल ह्योंजी के साथ घर पे पहुंचता है और वो वहाँ पे ह्योंजी को ब्रश को अपने बाथरूम में रख देता है। अब ह्योंजी यह देखकर काफी खुश होती है क्योंकि बंकुल उसे काफी अच्छे से केयर कर रहा था। अब यहाँ पे बंकुल उसे पूछता है कि क्या भूत भी ब्रश करते हैं, तब ह्योंजी उसे बताती है कि हाँ करते हैं क्योंकि वह एक हाइजेनिक भूत है। लेकिन बंकुल उससे कहता है कि अगर वह हाइजेनिक भूत है तो वह 5 साल से नहाए भी नहीं है, तो क्या उसे नहीं नहाना चाहिए। अब यहाँ पे ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, लेकिन जब ह्योंजी को भूख लगता है तो बंकुल उसके लिए कुछ खाना बनाता है। अब ह्योंजी काफी खुश होती है, लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि म्यूचुअल बंकुल से मिलने के लिए आए थे और वो डोर बेल बजाते हैं। अब यहाँ पे ह्योंजी म्यूचुअल को देख के चली जाती है। अब यहाँ पे म्यूचुअल ह्योंजी के लिए जो खाना बनाता है वो उसे खाने लगती है। अब यह देख के ह्योंजी तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, उसे काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन इसकी प्यारी शक्ल को देखने के बाद मुझे सच में कहा जाए तो काफी बुरा लग रहा था। अब जब फिर वो डिनर खत्म कर लेते हैं तो ह्योंजी बंकुल के पास आती और पूछती है कि उसका डिनर कहाँ पर है। तब बंकुल उससे कहता है कि सारे डिनर खत्म हो गए क्योंकि उसके अंकल ने खा लिए। तब ह्योंजी उससे पूछती है कि क्या उसके अंकल यहाँ पे रोज आते हैं। तब बंकुल उसे जवाब देता है कि उसके अंकल महीने में सिर्फ 2 बार यहाँ पे आते हैं। अब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी उधर से बंकुल के अंकल मूंछलू से पूछते हैं कि उसने एक न्यू पिंक कलर का ब्रश क्यों खरीदा था। अब यहाँ पे बंकुल ह्योंजी के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो उनके लिए खरीदा था। अब देखते ही देखते यहाँ पे मूंछलू पूरी तरह से ब्रश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्योंजी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, बेचारी यहाँ पे सिर्फ गुस्सा होकर उन्हें देख रही थी। अब जब रात को बंकुल सो जाता है तो ह्योंजी उसके बगल में आके सो जाती है। अब जब रात को बंकुल की नींद टूटती है तो वह ह्योंजी को बगल में सोया देखता है, इसलिए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वो म्यूचुअल के बगल में जाके सो जाता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल की काफी बुरी आदत थी कि वह बार बार बिस्तर से नीचे गिर रहे थे, इसलिए बंकुल रात भर भी नहीं सो पाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूचुअल बंकुल से पूछते हैं कि वह रात में यहाँ पे क्यों सो रहा था। तब बंकुल उसे झूठ बोलता है कि रात को काफी गर्मी था इसलिए वो यहाँ पे चला आया। म्यूचुअल बंकुल से कहते हैं कि वह उसके मॉम को रिटिकल देखे दिन मिलेंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ह्योंजी को काफी भूख लगा था, इसलिए बंकुल काफी मेहनत से खाना बनाता है और ये दोनों यहाँ पे खाना को काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद ह्योंजी बहुत खाना को खाने लगती है। अब बंकुल उसे देख के कहता है कि अगर वो इस प्रकार से खाना खाएगी तो वो उस इफेक्ट को नहीं सह पाएगा और उसे काफी सारे पैसे परचेस करेगा। जिसके बाद बंकुल वहाँ पर अपना फ्रिज खोल के दिखाता है। अब ह्योंजी फ्रिज को देखने के बाद दंग रह जाती है क्योंकि उसके फ्रिज में ज्यादा खाने नहीं थे, लेकिन ह्योंजी ने काफी खाना खा लिया था इसलिए वो थक जाती है। अब जब बंकुल वहां से जाने लगता है तो ह्योंजी उसे पूछती है वो कहाँ जा रही है। तब बंकुल उसे जवाब देता है कि वे दोनों साथ में भले ही रह रहे हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करे तो ही अच्छा होगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि सदाको के घर पे पहुंच रहे थे क्योंकि सदाको उसके वीडियो में काफी गंदे गंदे कमेंट्स करता था, इसलिए वे दोनों काफी गुस्से थे। अब जब सदाको के घर पे पहुंचते हैं तो वे दोनों डर जाते हैं क्योंकि सदाको वहाँ पे डेट कर चुका था, जिसके बाद वे दोनों पुलिस को कॉल करते हैं।
और वे पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि सराहु किस प्रकार से यहाँ पे मरा हुआ मिला था। जिसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे अपना बयान देने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि वह जो एक्ट्रेस जो मरी थी उसे सबसे ज्यादा गंदे कमेंट्स दिए गए थे। सबसे नंबर वन पे सडाको था और दूसरे नंबर पे कोई और तीसरे नंबर पे एंजल था। अब यहाँ पर ह्यूंडे उन्हें बताता है कि यह एंजल वाली आईडी उसकी है जिससे सराको ने हैक कर लिया था और इस आईडी से सराको ने काफी गंदे कमेंट्स किए थे, ना कि उसने। जिसके बाद ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वे लोग जब न्यूज देखते तो उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों ने उस एक्ट्रेस से गंदे गंदे कमेंट्स किए थे फिर सभी एक एक करके मर रहे थे और ये दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी उनके टीवी में भी उसी एक्ट्रेस के डेथ वाली वीडियो चलने लगती है और उनके घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, यानी कि ये भूत यहीं पे पहुंच चुकी है। अब ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों ये सीन यहीं पे कट कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम लोग एक लेडीज को देखते हैं जो कि लिफ्ट में खड़ी है और वह उस एक्ट्रेस के मरने के बाद उसके खिलाफ काफी गंदे गंदे कमेंट्स कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके मोबाइल में भी उस एक्ट्रेस की वीडियो चलने लगती और वहाँ पे अचानक से वह एक्ट्रेस चली आती है, जिसके बाद वह औरत तो काफी डर जाती है। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि लिफ्ट खुलने के बाद ये औरत मर चुकी है। वही भी हम लोग बम्पुल को देखते हैं जो कि अभी भी कॉलेज पहुंचा था, लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूंजी की नजर एमसीयू पे पड़ती है और वह बम्पुल से कहती है कि उसी जाके उससे बातें करनी चाहिए। लेकिन तभी एमसीयू बम्पुल के पास चली जाती है और वह उसे गुड मॉर्निंग कहती है। अब यहाँ पे बम्पुल से थोड़ा सा भी बातें नहीं कर पाता। यहाँ पे तो ह्यूंजी काफी इरिटेट हो जाती है बम्पुल की इस आदत को देखकर। लेकिन तभी एमसीयू प्रोफेसर के पास चली जाती है क्योंकि वह उसके ऊपर थोड़ी सी क्रश थी। अब यहाँ पे ह्यूंजी बम्पुल को कहती है कि वह इस प्रकार से कभी भी एमसीयू के प्रपोज नहीं कर पाएगा और ना ही डेटिंग कर पाएगा। प्रोफेसर एमसीयू से बातें करने के बाद जब जा रहे थे तभी उनकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि बिल्ली को खाना खिला रही थी। अब वो उसके बाद जाकर कहते हैं कि वे सोची रह रही कौन है जो कि उस बिल्ली को हमेशा खाना खिलाती है और आज फिर दोनों मिल ही गए। अब वह लड़की उनसे सॉरी बोलती है। तब प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि वह इस कॉर्नर में ना खिला के उस कॉर्नर में जाकर खिला सकती है। अब वह लड़की काफी खुश होती है जिसके बाद वे प्रोफेसर बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली उनके ऊपर अटैक कर देती है जिसके बाद प्रोफेसर को हल्का चोट लग जाता है। अब प्रोफेसर काफी गुस्से में चली जाती है। वहीं पे ह्यूंजी बम्पुल को समझा रही थी किसी के ऊपर इतना लंबा क्रश होना ठीक नहीं है, उसे जाकर अपनी फीलिंग्स में बता देना चाहिए। लेकिन तभी उधर से ह्यूंजी चला आता है और वह बम्पुल को ह्यूंडे के बारे में बताता है कि उसके मोबाइल में उस एक्ट्रेस की वीडियो चलने लगी है और वो काफी डरा हुआ है। लेकिन जब ये दोनों उसके पास पहुंचते तक वह भूत ह्यूंडे के पास चली आई थी और वो उसके ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन तभी बीच में ह्यूंजी चली आती है और उसे फाइट करके अलग करती है और उसे कहती है कि वो इस प्रकार से करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। लेकिन वह एक्ट्रेस उसे कहती है कि वो तो सिर्फ कम्प्लीमेंट चाहती थी, लेकिन यहाँ पे लोग उसे काफी नफरत करते हैं और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी बम्पुल भी चला आता है और वे दोनों फाइट करने लगती है। अब जब उन लोगों के बीच फाइट चली जा रहा तभी ह्यूंजी उस एक्ट्रेस को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वही है जो कि सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत कर और लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस एक्ट्रेस को गुस्सा चला आता है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है। अब जब एक्ट्रेस अपने आप को मिरर में देखती है तभी उसे एहसास होता है कि ह्यूंजी सच कह रही थी और वह तभी धूप की रोशनी के कारण वहाँ पे नष्ट हो जाती है। अब जब बम्पुल और ह्यूंजी घर की ओर जा रहे थे तभी ह्यूंजी काफी थकी होती है, इसलिए वह अपने मैजिक करके गायब होने की कोशिश करती है। लेकिन वह काफी कोशिश करने के बाद भी गायब नहीं हो पाती है। अब वह बम्पुल से कहती है कि सभी भूत तो यह काम कर लेते हैं, लेकिन न जाने उसके शक्ति को क्या हो जाता है, वो ये काम नहीं कर पाती। अब जब वे दोनों घर पे पहुंचते हैं तो ह्यूंजी यहाँ पे काफी थकी होती है, इसलिए सो जाती है। लेकिन इसके बाद बम्पुल छत पे जाता है और हमें पता चलता है कि बम्पुल ने ह्यूंजी के लिए वो ड्रेस खरीद ली थी, इसलिए वो उसे जला रहा था। वहीं पे ह्यूंजी जो कि सो रहे थे वह देखती है कि उसका ड्रेस अपने आप एक्सचेंज हो रहा था और वह समझ जाती है कि बम्पुल ने उसके लिए वो ड्रेस खरीद लिया था। इसलिए वह छत पे जाती है और वो काफी खुश होती है और वह बम्पुल को अपना ड्रेस दिखाती है। अब यहाँ पे बम्पुल तो ह्यूंजी की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वहीं पे हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि बिल्ली को खाना खिलाती थी। अब जब वह रात को खाना खिलाने के लिए जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पे वह बिल्ली मर चुकी है, यानी किसी ने उसे मार दिया था और वो डर जाती है। वहीं पे हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जिनके हाथ पे खरोंच था और वो काफी शैतानी भरी आंखों के साथ इस एपिसोड के लास्ट में दिखाई देती हैं
और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।